नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य विजय वर्मा प्राइम टाइम खबर की ओर से ज्योतिष के माध्यम से आज हम आपको कुछ कुछ अलग सी चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मेरे पास बहुत से लोग आते हैं जो ये कहते हैं कि मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने किसी का नुकसान नहीं पहुंचाया, हमेशा ईश्वर की भक्ति में लगे रहते हैं, उसके बावजूद हमें इतना कष्ट क्यों मिल रहा है गुरु जी। आज हम उस बारे में कुछ चर्चा करेंगे कि मित्रों, परेशानियों का कारण कहीं ऐसा तो नहीं कोई पूर्व जन्म के दोष हों जिसकी वजह से कुछ ऐसी दिक्कतें आ रही हों। हम आज बात करेंगे इस विषय पर। मित्रों, मनुष्य के मृत्यु के समय जो कुंडली बनती है उसे पुण्य चक्र कहते हैं। इससे मनुष्य के अगले जन्म की जानकारी मिलती है। मृत्यु के बाद उसका जन्म कब और कहाँ होगा इसका अनुमान लगाया जा सकता है। जातक परिजात में मृत्यु उपरांत गति के बारे में बताया गया है। यदि मरण काल अगर लग्न में गुरु हो तो जातक की गति देवलोक में होती है, सूर्य या मंगल हो तो मृत्यु लोक में होती है, चंद्रमा या शुक्र हो तो पितृलोक में होती है, बुध और शनि हो तो नरक लोक में होती है। यदि 12वें स्थान पर शुभ ग्रह हो और द्वादश जो 12वां स्थान है वो बलवान होकर शुभ ग्रहों की दृष्टि में हो तो मोक्ष की प्राप्ति के योग बनते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा मित्रों, यदि 12वें भाव में शनि और राहु हो और केतु की साथ में युति हो अष्टमेश के साथ तो जातक को नरक की प्राप्ति होती है। जन्म कुंडली में गुरु और केतु का संबंध द्वादश भाव में होने से मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। दोस्तों, पत्रिका में जो जन्म पत्रिका होती है उसमें शनि गुरु और राहु की जो स्थिति है उसका संबंध आत्माओं के साथ पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से होता है। उसके बारे में कर्मों से प्राप्त जो फल हैं और उसका जो प्रभाव है उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। गुरु यदि लग्न में हों तो पूर्वजों की आत्मा का आशीर्वाद या दोष दिखलाता है। अकेले में पूजा करते वक्त उसकी उनकी उपस्थिति, जो पूर्वज हैं उनकी उपस्थिति का एहसास होता है। ऐसे व्यक्ति को अमावस्या के समय दिन में दूध का दान करना चाहिए। दूसरी बात है मित्रों, दूसरे अथवा आठवें स्थान पर गुरु अगर है तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति पूर्व जन्म में संत या संत प्रकृति का या कुछ अतृप्त इच्छाओं की पूर्ण न होने की वजह से उसे फिर से जन्म लेना पड़ा। ऐसे व्यक्ति पर अदृश्य प्रेत आत्माओं का आशीर्वाद रहता है। अच्छे कर्म करने तथा धार्मिक वृत्ति से समस्त इच्छाएं पूर्ण होती है। ऐसे व्यक्ति संपन्न घर में जन्म लेता है, उत्तरार्ध में धार्मिक वृत्ति से पूर्ण जीवन बिताता है, उनका जीवन साधारण परंतु सुखमय रहता है और अंत में वो गति को प्राप्त करते हैं। दोस्तों, अगर गुरु तृतीय स्थान पर हो तो यह माना जाता है कि पूर्वजों में कोई स्त्री सती हुई है और उसके आशीर्वाद से सुखमय जीवन व्यतीत होता है, किंतु स्थापित होने अगर ये स्थापित हैं तो शारीरिक आर्थिक और मानसिक परेशानियों से जीवन का यापन होता है। कुल देवी या माँ भगवती की आराधना से ऐसे लोगों को लाभ मिलना चाहिए। दोस्तों, गुरु अगर चौथे स्थान पर हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा, गुरु अगर चौथे भाव पर हो, चतुर्थ भाव जो है सुख का भाव है, यहाँ पर अगर गुरु महाराज आते हैं या होते हैं तो इसका मतलब है कि उस जातक के पूर्वजों ने, जो कोई पूर्वज है उसने वापस आकर जन्म लिया है उनके यहाँ पे, और पूर्वजों के आशीर्वाद से जीवन में आनंदमय होता है, जीवन आनंदमय होता है। स्थापित होने पर ऐसी जातक परेशानियों से ग्रस्त रहते हैं अगर गुरु स्थापित है तो। चौथे स्थान पर गुरु होने से और अगर स्थापित गुरु है तो इन्हें हमेशा ये भय बना रहता है, कुछ ना कुछ भय हमेशा बना रहता है, क्योंकि गुरु जिस जगह पर बैठता है उस जगह की हानि भी थोड़ी सी करता है। ऐसे व्यक्ति को वर्ष में एक बार कम से कम पूर्वजों के स्थान पर जाकर पूजा अर्चना करनी चाहिए और अपने मंगलमय जीवन की कामना करनी चाहिए। दोस्तों, गुरु अगर 9वें स्थान पर हो तो बुजुर्गों का साया हमेशा मदद करता रहता है। ऐसा व्यक्ति माया का त्याग करके और संत समान विचारों से ओतप्रोत रहता है। ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती जाती है वह बली और ज्ञानी बनता जाएगा। ऐसे व्यक्ति की बद्दुआ भी नेक असर देती है। दोस्तों, गुरु अगर 10वें स्थान पर हो तो व्यक्ति पूर्व जन्म के संस्कार से संत प्रवृत्ति, धार्मिक विचार, भगवान पर अटूट श्रद्धा रखने वाला होता है। 10वें, 9वें और 11वें स्थान पर शनि या राहु भी हो तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक स्थल या न्यास का पदाधिकारी होता है या कोई बहुत बड़ा संत भी हो सकता है। दुष्ट प्रवृत्ति के कारण अगर उसके अंदर दुष्ट प्रवृत्ति का जन्म हो चुका हो या होने वाला हो या शनि और राहु की वजह से दुष्ट प्रवृत्ति हो तो वो बेमानी, झूठ और भ्रष्ट तरीके से आर्थिक उन्नति भी करता है, किंतु अंत में भगवान के प्रति समर्पित होता है। दोस्तों, 11वें स्थान पर गुरु ये बतलाता है कि व्यक्ति पूर्व जन्म में तंत्र मंत्र गुप्त विद्याओं का जानकार
या कुछ गलत कार्य करने से दूषित प्रेत आत्माओं के द्वारा पारिवारिक सुख में व्यवधान प्राप्त करते हैं, मानसिक अशांति हमेशा बनी रहती है, राहु की युति से विशेष परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को माँ काली की आराधना करनी चाहिए और संयम के साथ जीवन का यापन करना चाहिए। अब बात करते हैं 12वें स्थान पर अगर गुरु हो तो गुरु के साथ राहु या शनि का भी योग हो तो पूर्व जन्म में इस व्यक्ति के द्वारा धार्मिक स्थान या मंदिर तोड़ने के दोष को बताया जाता है और उसे इस जन्म में इसको पूर्ण करना पड़ता है। और ध्यान से ध्यान दीजिएगा, उसे इस जन्म में किसी मंदिर वगैरह का निर्माण कराना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को अच्छी आत्माएं उद्देश्य रूप में साथ देती हैं, इन्हें धार्मिक प्रवृत्ति से लाभ होता है। गलत खान पान से तकलीफ का सामना करना पड़ता है, पेट आदि की समस्याएं हो सकती है। और अब हम बात करेंगे दोस्तों, अभी तक जो बात की हमने वो गुरु के बारे में था, गुरु के अच्छे और बुरे होने के बारे में बात की। अब हम बात करेंगे कि अब शनि का पूर्वजों आपके पूर्वजों से क्या संबंध है। दोस्तों अब हम बात करते हैं शनि देव के बारे में। शनि देव न्याय के देवता, कर्मों का फल देने वाले, इनके बारे में अगर हम बात करें तो इनका जो पूर्वजों के साथ संबंध है, अगर ये लग्न में है, शनि देव अगर लग्न में है तो ये दर्शाता है कि वो व्यक्ति पूर्व जन्म में कोई बहुत अच्छा वैद्य या पुरानी वस्तु, जड़ी बूटी, गोल विद्याओं का कोई ना कोई जानकार रहा होगा। ऐसे व्यक्ति को अच्छी अदृश्य आत्माएं सहायता करती हैं। इनका बचपन बीमारी व आर्थिक परेशानियों से पूर्ण होता है। ये ऐसे मकान में निवास करते हैं जहां प्रेत आत्माओं का निवास होता है और उनकी प्रेत आत्माओं की पूजा अर्चना करने से इनको लाभ मिलता है। शनिदेव महाराज अगर दूसरे स्थान पर हों, दूसरा स्थान वाणी का, धन का और परिवार का होता है। दूसरे स्थान पर शनि है तो ऐसा व्यक्ति पूर्व जन्म में किसी व्यक्ति के आकर्षण सताने या कष्ट देने से उसकी बदवाओं के कारण आर्थिक, शारीरिक और पारिवारिक कष्ट को भोगता है। अगर राहु के साथ हो संबंध इसका तो निद्रा रोग, डरावने सपने या किसी प्रेत आत्मा की छाया आदर्श रूप से प्रत्येक कार्य में रुकावट डालती है। ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान रहता है। मित्रों अब हम बात करेंगे, शनि महाराज अगर तीसरे स्थान पर या छठे स्थान पर शनि और राहु दोनों हों तो आदर्श आत्माएं भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूरा अभ्यास करा देती है। पहले से आपको मालूम पड़ जाता है कि क्या होने वाला है या क्या हो सकता है, लेकिन ये युति तीसरे और छठे भाव में शनि या राहु की होनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति जमीन संबंधी कार्य, घर जमीन के नीचे क्या है, ऐसे कार्य में ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये लोग कभी कभी आकर्ण भय से पीड़ित भी पाए जाते हैं। मित्रों अब हम बात करेंगे, चौथे स्थान पर शनि महाराज या राहु पूर्वजों का सर्प योनि में होना दर्शाता है। सर्प की आकृति या सर्प से डर लगता है, इन्हें जानवर या सर्प की सेवा करने से लाभ प्राप्त होता है। पेट संबंधी बीमारी के इलाज में इन्हें सफलता मिलती है। मित्रों पांचवें स्थान पर शनि या राहु की उपस्थिति पूर्व जन्म में किसी को घातक हथियार से तकलीफ पहुंचाने के कारण मानी जाती है। इन्हें संतान संबंधी कष्ट भी उठाने पड़ते हैं, पेट की तकलीफ, बीमारी, संतान देर से होना इत्यादि परेशानियां होती हैं। कभी कभी ये कंफ्यूज भी होते हैं, प्रेम तत्व की कमी भी पाई जाती है। मित्रों सातवें स्थान पर शनि या राहु होने पर पूर्व जन्म संबंधी दोष के कारण आँख, शारीरिक कष्ट, पारिवारिक सुख में कमी महसूस करते हैं। धार्मिक प्रवृत्ति और अपने इष्ट की पूजा करने से इन्हें लाभ मिलेगा, अनैतिक कार्यों से इनको बचना चाहिए। आठवें स्थान पर शनि या राहु यह दर्शाते हैं कि पूर्व जन्म में किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी व्यक्ति पर तंत्र मंत्र का गलत उपयोग करने से आकर्ण भय से ये ग्रसित रहते हैं इस जन्म में। इन्हें सर्प, चोर, मुर्दों से भय बना रहता है। इन्हें दूध का दान करने से लाभ मिलेगा। दोस्तों नवें स्थान पर शनि महाराज पूर्व जन्म में दूसरे व्यक्ति की उन्नति में बाधा पहुंचाने का दोष दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति नौकरी में विशेष उन्नति नहीं कर पाते, इनका पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा मन नहीं लगता। कई ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से भाग्य उतना साथ नहीं देता जितना भाग्य को देना चाहिए। मित्रों शनि का 12वें स्थान पर होना सर्प के आशीर्वाद या दोष के कारण आर्थिक लाभ या नुकसान होता है। ऐसे व्यक्ति को सर्प कार्य चांदी की अंगूठी धारण करनी चाहिए। ऐसे लोग सर्प की पूजा करने से लाभान्वित होते हैं, भगवान शंकर पर दूध चढ़ाने से भी लाभ मिलता है। दोस्तों एक बात हम आपसे और शेयर करना चाहेंगे, मैंने ज़्यादातर कुंडलियों में देखा है कि अगर इस तरह की कोई युति जैसे राहु है शनि है या राहु के साथ में कोई और पापी ग्रह है या राहु शनि या शनि केतु की अगर कोई ऐसी युति है जन्मपति के किसी भी घर में है
तो ऐसा व्यक्ति बाहर की हवाओं से पीड़ित रहता है, उसको नज़र बहुत तेज लगती है, कोई छोटी सी भी नेगेटिव एनर्जी है, छोटा सा भी कोई नेगेटिव कण इनको नुकसान पहुंचाता है। इनके शरीर में हमेशा भारीपन बना रहता है, पूजा अर्चना करते समय उबासी आनी, आलसी प्रवृत्ति, क्रोधी होने के दोष इस तरह के लोगों में पाया जाता है अगर शनि और राहु या शनि और केतु की युति आपस में होती है तो। कुंडली के पंचम भाव के स्वामी ग्रह से जातक के पूर्व जन्म के निवास का पता चलता है, उसकी जाति का पता चलता है, वो किस दिशा में जन्म लेगा या लिया है या किस दिशा में उसका पूर्व जन्म था इसके बारे में भी बताया जा सकता है। उसकी जाति, जन्म स्थान, सारी चीजें पूर्व जन्म की जो कुछ भी है वो पंचम भाव के द्वारा बताई जा सकती है। ये तो था आज कुछ पूर्व जन्म के बारे में बातें, शनि राहु और गुरु के बारे में बातें, कुछ छोटे छोटे उपाय भी जो हो सके वो बताए हैं हमने जिनको करें। और अधिक जानकारी के लिए हमें लिखें या हमें फ़ोन करें। मैं आचार्य विजय वर्मा आपको प्रणाम करता हूँ प्राइम टाइम खबर की ओर से। नमस्कार।